वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम आपको पंजाब की एक पवित्र नगरी सुल्तानपुर लोधी ले चलते हैं, जहां गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के करीब 14 साल बिताए। सुल्तानपुर लोधी पंजाब के शहर जालंधर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर जिला कपूरथला में है। आप सबने तो यह सुना ही होगा कि गुरु नानक देव जी मोदी खाने में नौकरी किया करते थे, पर क्या आप जानते हैं वो जगह कहां पर है और अब कैसी दिखती है? गुरु जी की बहन बीबी नानकी जी के बारे में भी आप जानते ही होंगे, पर क्या आप यह जानते हैं जिस घर में वो अपने पति के साथ रहा करती थी वो जगह अब कहां है और आजकल कैसी दिखती है? जिस जगह गुरु नानक देव जी के दो पुत्रों ने जन्म लिया और जहाँ गुरु नानक देव जी अपने परिवार के साथ रहते थे, वो स्थान आज कहां और कैसा दिखता है? अगर आप इन सभी स्थानों के दर्शन करना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सुल्तानपुर लोधी में गुरु नानक देव जी के 7 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, जिनके दर्शन आज हम आपको कराएंगे और इनसे जुड़ा इतिहास भी बताएंगे। यह सीधा रास्ता गुरुद्वारा श्री बेर साहिब की तरफ जाता है। इस रास्ते पर चलते हुए बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, ये सोचकर कि कभी गुरु नानक देव जी इन्हीं गलियों में घूमा करते होंगे। अब हम आ पहुंचे हैं श्री बेर साहिब की एंट्रेंस पर। गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी, यह वो पवित्र भूमि है जहां गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 14 वर्ष से अधिक समय बिताया। इस गुरु घर का निर्माण बड़े ही सुंदर तरीके से किया गया है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों और हरियाली ने गुरु घर की शोभा कई गुना बढ़ा दी है। 24 घंटे संतों का आना जाना यहाँ लगा रहता है। चलिए अब हम दर्शन करें। गुरुद्वारे के अंदर का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। सभी दीवारों पर नक्काशी की गई है। एक तरफ दीवान सजा है, रागी सदगुरु की महिमा के गीत गा रहे हैं और दूसरी तरफ गुरबानी के सुंदर और अनमोल वचन दीवारों पर लिखे हुए हैं, जिसे पढ़कर अशांत मन भी शांत हो जाता है। गुरु घर की पिछली तरफ एक बहुत बड़ा बेरी का पेड़ है, जिसके नीचे कभी गुरु नानक देव जी ने 14 वर्ष 9 महीने और 13 दिन तक तप किया था। उसी स्थान पर बेरी के पास ही आजकल बहुत सुंदर तप स्थान बनाया गया है। यह बेरी का पेड़ गुरु जी ने खुद लगवाया था, तब से लेके आज तक यह हरा भरा है। हर साल इस पेड़ में बहुत सारे बेर लगते हैं। पेड़ की पवित्रता कायम रखने के लिए इसे छूना मना है। संगतें इसके नीचे बैठकर गुरबानी का उच्चारण करती हैं। बेरी के इस पेड़ से कुछ कदम की दूरी पर ही कालीवेई नदी बहती है। इस नदी का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी रोज सुबह उठकर इस नदी में स्नान करते थे और सारा सारा दिन बेरी के पेड़ के नीचे बैठकर भक्ति किया करते। कहते हैं रोज की तरह एक दिन गुरुजी स्नान करने इस नदी में उतरे और 3 दिन तक बाहर ही नहीं निकले। यह खबर तब सारी नगरी में आग की तरह फैल गई कि गुरुजी नदी में डूब गए, जबकि गुरुजी की बड़ी बहन बीबी नानकी जी का विश्वास अटल था। वे जानती थी कि उनका भाई कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि एक निरंकार का रूप है, इसलिए वे बिल्कुल घबराई नहीं। कहा जाता है तब 3rd दिन एक चमत्कार हुआ। गुरुजी नदी से अचानक ही बाहर निकल आए और कहने लगे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, जिसका भाव है गुरुजी की नजर में दोनों धर्म बराबर हैं। और तब गुरुजी ने मूल मंत्र का उच्चारण किया, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपव निर्वैर
अकाल मूरत अर्जुनी सैभंग गुर प्रसाद। इतिहासकारों के अनुसार गुरु जी ने वे 3 दिन सचखंड में बिताए थे, जहां उन्हें निरंकार ने आदेश दिया था कि जिस उद्देश्य से आपको धरती पर भेजा है वे कार्य पूरा करें और सभी मनुष्यों को एक निरंकार से जोड़ें। इस अद्भुत मुलाकात के बाद ही गुरु नानक देव जी ने मूल मंत्र का उच्चारण किया था, जपजी साहिब बाणी की रचना की और इसी स्थान से गुरु जी ने अपनी पहली उदासी की शुरुआत की थी। अब हम चलते हैं दूसरे ऐतिहासिक गुरुद्वारे श्री हट साहिब, जो यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। यह वही स्थान है जहाँ गुरु नानक देव जी नवाब दौलत खान के मोदी खाने में नौकरी किया करते थे। इस मोदी खाने में अनाज का व्यापार होता था। गुरु जी वहाँ का हिसाब किताब देखते और वहाँ आने वाले ग्राहकों को अनाज तोल कर दिया करते। गुरु जी रोजाना अपने घर गुरु का बाग, जिसके दर्शन हम आपको आगे करवाएंगे, वहां से चलकर गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में तपस्या करने के बाद गुरुद्वारा श्री हट साहिब में अपनी ड्यूटी देने आया करते थे। ये पत्थर जिनके आप दर्शन कर रहे हैं, ये वही पावन पत्थर हैं जो गुरुजी सौदा तोलते वक्त इस्तेमाल किया करते थे। गुरुजी की छू इन पत्थरों को प्राप्त है, जिन्हें देखकर गुरुजी की मौजूदगी आज भी अपने आसपास महसूस होती है। सेवादारों ने ये पावन पत्थर बहुत प्यार व श्रद्धा से संभाले हुए हैं, ताकि आने वाली संगतें गुरुजी की इस यादगार के दर्शन कर सके। कहा जाता है एक बार श्री गुरु नानक देव जी के पास एक गरीब व्यक्ति आया, जिसके तन पर फटे कपड़े थे और उसके पास सौदा खरीदने के पैसे भी नहीं थे। तब गुरुजी ने उसे 13-13 कहकर मुफ्त में ही अनाज दे दिया। गुरुजी का 13-13 से भाव था कि हे ईश्वर, ये सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं। तब से गरीब और जरूरतमंद लोग गुरुजी के पास अनाज लेने खड़े रहते, जिन सबको गुरुजी 13-13 कहकर मुफ्त में ही अनाज दे देते। आज उसी स्थान पर बहुत सुंदर गुरुद्वारा श्री हट साहिब सुशोभित है। अब हम पहुंचे हैं बीबी नानकी जी के गुरुद्वारे में, जो श्री हट साहिब से कुछ ही कदमों की दूरी पर है। यह बीबी नानकी जी का घर है, जहां वे अपने पति जयराम जी के साथ रहा करती थी। कहा जाता है गुरु नानक देव जी भी उनके साथ इसी घर में रहा करते थे, जिसका कारण था कि गुरु नानक देव जी अपने घर करतारपुर में सारा दिन ईश्वर भक्ति में लीन रहा करते थे। सांसारिक कार्यों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिस कारण उनके पिता मेहता कालू जी अक्सर उन्हें डांटते और उनसे झगड़ा करते। बीबी नानकी जी जानती थी कि गुरु जी कोई साधारण मनुष्य ना होकर निरंकार का रूप है, इसलिए वे इन झगड़ों से बचने के लिए गुरु जी को अपने साथ इसी घर में ले आई थी। बीबी नानकी जी ही थी जिन्हें सबसे पहले अपने भाई के निरंकार रूप का पता चला था। इस गुरुद्वारे की बहुत महानता है। गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करके बाहर निकलते ही लेफ्ट साइड की तरफ एक लंगर हॉल है, जहां इत्मीनान से बैठकर लंगर चखकर ऐसा फील होता है जैसे हमने दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन खा लिया हो, और लगता है जैसे हम अपनी माता की गोद में बैठे हों। जीवन में अगर आपको मौका मिले तो एक बार यहाँ जरूर आकर दर्शन करें। अब हम जा रहे हैं बीबी नानकी जी के एक और गुरुद्वारे में। यह स्थान कभी बीबी नानकी जी का ससुराल हुआ करता था, जो उनके ससुर का पुश्तैनी घर था। उनकी डोली इसी घर में आई थी, और यह वही स्थान है जहां से गुरु नानक देव जी की भी बारात निकली थी।
इस स्थान पर आकर बेहद सुकून और खुशी महसूस हो रही है कि हम अपने माता के घर बैठे हैं। यह कुआं जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, ये वही कुआं है जो बीबी नानकी जी के कहने पर उनके पति जयराम जी ने मुसाफिरों के प्यास बुझाने के लिए बनवाया था। इतिहासकारों के अनुसार बीबी नानकी जी और जयराम जी ने अपने अंतिम श्वास भी इसी घर में लिए थे। इस गुरुद्वारे को इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है कि जब कोई यहाँ आकर दर्शन करता है तो वह अपने आप को सतगुरु से जुड़ा हुआ महसूस करता है, क्योंकि इसके दरवाजे, खिड़कियाँ, दीवारें सभी पुराने स्टाइल से ही बरकरार है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसमें कोई नया बदलाव नहीं किया, जिसके कारण वहां जाने वाली संतों को उनके पुराने घर की फीलिंग आती है और वे उनसे जुड़ा महसूस करते हैं। बीबी नानकी जी के गुरुद्वारे से चलकर अब हम पहुंचे हैं गुरुद्वारा गुरु का बाग। यह स्थान बीबी नानकी जी के गुरुद्वारे से बस 5 मिनट की दूरी पर है। विवाह के बाद गुरुजी अपनी पत्नी माता सुलखनी जी के साथ इसी स्थान में रहा करते थे। उनके दोनों सुपुत्र बाबा श्रीचंद जी और बाबा लक्ष्मीदास जी का जन्म भी इसी घर में हुआ था। आप जिसके अभी दर्शन कर रहे हैं, यह वो कुआं है जिसके जल से गुरु नानक देव जी के घर कभी खाना तैयार किया जाता था। इस कुएं का रख रखाव बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है, पूरा कवर करके रखा गया है ताकि यह पवित्र जल गंदा ना हो सके। इतनी अच्छी संभाल के कारण ही आज हम इस कुएं के दर्शन कर पा रहे हैं और इस निर्मल जल को ग्रहण कर पा रहे हैं। गुरुद्वारा साहिब की सीढ़ियां जो नीचे बेसमेंट की तरफ जाती हैं, वहां पर गुरुजी के घर की दीवार देखी जा सकती है। यहां के सेवादारों ने बड़े सुंदर तरीके से इस दीवार की संभाल की है, तभी तो यह दीवार पुराने समय से बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे गुरुजी के समय में होती थी। इस पर कोई पेंट नहीं किया हुआ, ना ही कोई रिपेयर। इसकी पवित्रता और यादगार बनाए रखने के लिए इस दीवार के चारों तरफ कांच से कवर किया गया है और इसके चारों ओर एक आर्टिफिशियल दीवार बनाई गई है। दीवार को देखकर ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि हम 500 साल पहले अपने पिता गुरु नानक देव जी के घर आ गए हों। गुरु का बाग गुरुद्वारे से कुछ कदम दूर है गुरुद्वारा श्री कोठड़ी साहिब। यह वो स्थान है जहां नवाब ने गुरुजी को नजरबंद करके रखा था। इतिहास में दर्ज है कि गुरु नानक देव जी द्वारा नवाब दौलत खान लोधी के मोदी खाने में नौकरी के दौरान कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने नवाब के पास जाकर गुरुजी की शिकायत कर डाली कि नानक आपका मोदी खाना लुटा रहा है, वे लोगों को मुफ्त में अनाज बांट रहा है।
ऐसी बातें सुनकर नवाब ने जादू राय जो कि मुंशी यानी चीफ अकाउंटेंट था उसके साथ इसी स्थान पर जो आप अभी देख रहे हैं गुरु जी को नजर बंद करके उनसे हिसाब किताब लिया गया था। यह हिसाब किताब 3 दिन तक चला। अंत में पाया गया कि मोदी खाना घाटे की बजाय 760 रुपए मुनाफे में चल रहा है। नवाब तब बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने वे पैसे गुरुजी को देने चाहे, परंतु गुरुजी ने उन पैसों को लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर पैसे देने ही हैं तो गरीबों में बांट दो। यह गुरुद्वारा आज उसी स्थान पर सुशोभित है जहां गुरुजी से एक कोठरी में बिठाकर हिसाब किताब लिया गया था। अब हम जा रहे हैं सुल्तानपुर के इस आखिरी गुरुद्वारे श्री अंतर्यामतमा साहिब में जहां गुरुजी ने सच्ची नमाज अदा की थी। यहां दर्शन करके फिर आपको इसका इतिहास बताते हैं। सतगुरु जी हिंदू और मुस्लिम को एक बराबर समझते थे। जब वे बेई नदी से निकले थे तो गुरु जी ने यह वचन किया था कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, मेरे लिए सब एक बराबर हैं और मैं सबको एक जैसा प्यार करता हूँ। उस समय वहाँ के काजियों ने और मुल्लाओं ने तब गुरु जी से कहा, अगर आपके लिए हिंदू और मुसलमान एक बराबर हैं और आप दोनों को प्यार करते हैं तो फिर आप हमारे साथ मस्जिद में चलकर नमाज अदा करें। उस समय इसी स्थान पर एक शाही मस्जिद हुआ करती थी। काजियों के कहने पर गुरुजी इस मस्जिद में आ गए। कहते हैं काजी मौलाना और नवाब आदि सभी लोग अपने घुटनों के बल नमाज अदा करने लगे, परंतु गुरुजी नमाज के समय सीधे खड़े रहे। नमाज अदा करके फिर काजी और नवाब गुरुजी से शिकायत के लहजे से बोले, आप जी ने गुरुजी नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आप तो कहते हैं मैं सबको एक धर्म मानता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ, फिर आपने नमाज क्यों अदा नहीं की? गुरुजी तब कहने लगे, नमाज तो तुमने नहीं पढ़ी। तब नवाब बोला, हमने तो नमाज पढ़ी है। तब सतगुरु जी ने नवाब से कहा, नमाज अदा करते समय तेरा मन तो कंधार घोड़े खरीदने गया हुआ था, केवल शरीर करके तू यहाँ हाजिर था और हम भी शरीर करके यहाँ हाजिर थे। इतना सुनकर नवाब ने कहा, तो फिर आप काजी के साथ नमाज पढ़ लेते। तब गुरुजी बोले, काजी का भी शरीर यहाँ था परंतु उसका मन तो बछड़े की संभाल कर रहा था कि कहीं नवजात बछड़ा कुएं में न गिर जाए, इसलिए आप नमाज के समय शरीर से तो हाजिर थे लेकिन आपका मन कहीं और था। उनके मुख से ऐसे वचन सुनकर सब गुरुजी के चरणों में झुक गए और उन्हें सजदा किया और कहने लगे, यह तो कोई खुदा का बंदा है, यह तो जानी जान है, अंतर्यामी है। इस घटना के बाद से यहाँ पर एक गुरुद्वारे का निर्माण किया गया जिसका नाम गुरुद्वारा अंतर्यामतमा साहिब पड़ गया। ये थे गुरु नानक देव जी के 7 ऐतिहासिक गुरुद्वारे जिनके दर्शन करने मात्र से ही जीवों के करोड़ों पाप नाश हो जाते हैं। गुरु जी की इस पवित्र नगरी में कुछ ऐसी कशिश है जो एक बार यहाँ आता है उसका दिल बार बार यहाँ आने को करता है और ऐसा लगता है जैसे अभी भी
गुरु नानक देव जी अपनी बहन के हाथों से बना लंगर खाने यहाँ जरूर आते होंगे। अगर आप गुरु नानक देव जी की फुल लाइफ स्टोरी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस वीडियो का लिंक डाल दिया है। गुरु कृपा से अगले हफ्ते तक हम आपको एक और गुरुओं के पवित्र नगरी में ले चलेंगे। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।